हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास डीलन। आज हम ये सिक्स लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर होगा और हमारे पास चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टर्म मेरे को दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और साथ में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इस लेक्चर के हम हाफ के बाद स्टार्ट करेंगे। जब हमारा हाफ लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कैपेसिटेंस के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर मेरे पास एक टर्म है पोटेंशियल, मतलब जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो रीड आउट किया था उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से रिलेट करता हुआ। बट यहाँ पर मेरे पास एक टर्म है पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल क्या है? ये पोटेंशियल एक तरह से करेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स है वो मतलब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की मतलब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे दूसरे चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर देंगे तो उसके ऊपर वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। वो फोर्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं जो पर्टिकुलर जो चार्ज है जिसके ऊपर मैं पॉइंट है मतलब जहां पर मैं स्टडी कर रहा हूं, जिस भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया तो मेरे लिखा था उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम ऐसे ही यहां पर जो चैप्टर है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब कि मेरे पास कोई एक चार्ज है तो उसके आसपास का रीजन मॉडिफाई हो गया तो उस रीजन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी खुद की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें से मेरे पास पोटेंशियल क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्टरिस्टिक्स। तो जनरली मेरे पास है ना यहां पर क्या है, जैसे कि हमने क्लास 11th में कुछ टॉपिक्स रीड आउट किए थे। जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में क्या करूं, मान लो मेरे पास हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस्ड कर दूं, तो मैंने कंप्रेस्ड करके होल्ड कर लिया स्प्रिंग को, अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो मेरे पास ये जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे स्प्रिंग है जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो इसने अपनी एनर्जी को स्टोर कर लिया, और जो एक एनर्जी का फॉर्म में स्टोर कर लिया वो मेरे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। सेम ऐसे जैसे मैं कंसिडर कर सकता हूं मेरे पास ये कोई बॉक्स है, ये ग्राउंड पे प्लेस्ड है ये बॉक्स, इसको मैंने एच हाइट तक यहां पर लेके आ गया। इस पर्टिकुलर हाइट पे अगर मैं इस बॉक्स को रिलीज कर दूं तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, मतलब कि इस बॉक्स ने इस पर्टिकुलर हाइट पे एक एनर्जी को स्टोर कर लिया। वो एनर्जी किसके फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं रिलीज करूंगा इस बॉक्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा, मतलब कि मेरे पास जो एनर्जीज हैं इस पर्टिकुलर हाइट पे वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, वो एनर्जी है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस हाइट पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दें तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो जाती है कन्वर्ट होना काइनेटिक एनर्जी में, मतलब कि मेरे पास जो ऐसे ऐसे टर्म्स हैं ये। तो अब मेरे पास यहां पर एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये मेरे पास पोटेंशियल क्या है, एक तरह से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। मान लो कि मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। अब हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसके आसपास का रीजन मॉडिफाई हो गया मतलब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे उस पर अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। अभी के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूं कि कैपिटल क्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब मेरे पास जो फील्ड लाइन्स है वो कैसे है, आउटवर्ड। तो मेरे पास अब इनफाइनाइट पर कोई एक चार्ज है, इनफाइनाइट पर जो मेरे पास ये चार्ज है ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज को मैं किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पर लेके आएंगे और पी पॉइंट का ये होगा पोजिशन वेक्टर आर, मतलब कि पी पॉइंट की जो मेरे पास कैपिटल क्यू चार्ज है उसका डिस्टेंस है आर। इस पी पॉइंट पर मेरे को टेस्ट चार्ज को प्लेस करना है, तो मेरे को यहां पर पी पॉइंट पर प्लेस करने के लिए टेस्ट चार्ज को कुछ वर्क करना होगा। तो मेरे को वो वर्क है ना
वर्क जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इनफाइनाइट, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये अभी इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर लेके आने के लिए मेरे को कुछ वर्क करना होगा, वो वर्क एक तरह से एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा पी पॉइंट पर, तो पास वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर जब मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब मैं उसको लेके जा रहा हूं, इसको मतलब हमने होल्ड किया हुआ टेस्ट चार्ज को, इसको मूव कर रहे एक पर्टिकुलर लाइन के लोग, इसको आर्बिट्री भी हम मूव कर सकते हैं, मतलब कि आर्बिट्री भी क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कैसे, हमने फर्स्ट लेक्चर में रीड आउट किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, उसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये सिर्फ डिपेंड करेंगे इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन। तो हमारे पास एक तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को मैंने मूव करना स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद मैं कंसिडर कर लेता हूं ये टेस्ट चार्ज ए लोकेशन पे है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसको मैं स्मॉल डिस्टेंस डी आर, मतलब जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी वो है डी आर, इस लोकेशन पे मूव कर रहा हूं, और जो मेरे पास ए लोकेशन है ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कैपिटल क्यू चार्ज। तो मेरे पास यहां पर जनरली क्या होगा, मेरे पास कि मैं इस चार्ज को मूव कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक, और कैसे मूव कर रहे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से, क्योंकि देखो जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर जनरली क्या होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, और उसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इस चार्ज को मैं मूव करूंगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, वो वर्क फाइंड आउट करना है, वो वर्क मेरे पास कैसा होगा, मेरे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये पी पॉइंट किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, हमने मान लिया कि यहां पर ये पी पॉइंट यहां पर है, और इसका कैपिटल क्यू चार्ज से जो लोकेशन है, पोजिशन वेक्टर वो आर है, हमने इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को मूव करना स्टार्ट कर दिया, टेस्ट चार्ज कौन सा है हमारे पास, क्यू नॉट, ये कैसा है, यूनिट पॉजिटिव, मतलब क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस वन, मतलब कि इस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं, कुछ टाइम के बाद चार्ज आ गया ए लोकेशन पे, ठीक है, और ए लोकेशन से कैपिटल क्यू चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, मतलब ए लोकेशन पे टेस्ट जो मेरे पास सोर्स चार्ज है वो इस पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, एफ ही मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम इसको मूव कर रहे हैं एफ एक्सटर्नल, मतलब इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अभी इसको हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पी पॉइंट। तो मेरे को यहां पर कुछ वर्क करना होगा, वो वर्क फाइंड आउट कर लेंगे, वो हो जाएगा मेरे पास पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मेरे पास कैसे क्वांटिटीज है, वेक्टर, और उनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे को मिल जाएगी स्केलर क्वांटिटी। और हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल एक तरह से जो कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो मतलब मेरे पास यहां पर एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू ई क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां पर भी सेम मेरे पास टेस्ट चार्ज है, मतलब जो चार्ज है इनफाइनाइट पे वो क्या है, क्यू नॉट, वो कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव, और उसके ऊपर फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल क्यू चार्ज का। तो मैं यहां पर रख सकता हूं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू ई डॉट डी आर। अब ध्यान से देखना, जो ए लोकेशन है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, कैपिटल क्यू चार्ज का, और जो डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ये मेरे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके लिए है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, और जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको मैं मूव कर रहा हूं ए टू बी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों के बीच में जो थीटा है वो हो गया 180, तो मेरे पास यहां से लिख सकता हूं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू ई डी आर कोस 180, एंड कोस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1, तो मेरे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ई डी आर, क्यू के वैल्यू को मैं 1 पुट कर सकता हूं यहां पर मेरे पास, क्योंकि जगह Q नोट रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था ना Q नोट, और वो कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव, तो Q नोट की वैल्यू को मैं 1 भी प्लेस कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास Q नोट है यूनिट पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे पास dW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर। अब मेरे को फाइंड आउट करना है वर्क डन, इस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एट पी, और पी है मेरे पास आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द कैपिटल क्यू चार्ज, तो मेरे पास यहां पर मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू E dot dr, मूव कर रहे हैं इनफाइनाइट टू r, ठीक है, और मेरे पास ये हो गया टोटल वर्क डन, तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को dw के इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास वर्क डन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए लोकेशन कैपिटल Q चार्ज से जो उसका डिस्टेंस है वो है x, और हमने चेक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या फिर किसी भी एक चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी लोकेशन पे उसका वैल्यू क्या था के क्यू बाई आर स्केर, जो ए पॉइंट है वो कैपिटल क्यू चार्ज से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स के क्यू बाई एक्स स्केर, के क्यू बाई एक्स स्केर, इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। मेरे पास जैसे यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है इसको डी आर को मैं रख सकता हूं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, बट यहां पर चार्ज पार्टिकल को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं, मतलब मैंने एक तरह से मान लो कि कैपिटल क्यू चार्ज को ओरिजिन पे फिक्स कर दिया, हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज को मैंने यहां फिक्स कर दिया, और ये पी पॉइंट कुछ इस डिस्टेंस पे है, और ये हो गया इनफाइनाइट ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ डी एक्स एक तरह से। अब देखो जो डी आर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे डी एक्स से, तो मेरे पास इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट टू आर इंटू डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट टू आर, इस वैल्यू को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल है, ये मेरे पास क्या हो गया माइनस ऑफ के क्यू लिमिट्स इनफाइनाइट टू आर एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस वन, ये मेरे पास इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया है इसको देख लो एक बार स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स की पावर एन विच इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर माइनस एन प्लस वन बाई माइनस एन प्लस वन, तो मेरे पास ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ के क्यू माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन इनफाइनाइट टू आर, ये मेरे पास की वैल्यू क्या होगा के क्यू वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू आर, इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ये होगा के क्यू वन बाई आर माइनस वन बाई इनफाइनाइट, तो मेरे पास जो ये है एक तरह से वर्क डन, ये मेरे पास के क्यू बाई आर, और जो ये वर्क डन है मेरे पास ये किसके इक्वल्स होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज
फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव कर रहा था, इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से। तेरे पास जो ये टर्म है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोकेशन पी, क्योंकि हम पी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर रहे थे। जो वी है ये टर्म मेरे पास डिनोट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, सेम जैसे मैंने यहां पर हमने क्लास 11th में रीड आउट किया था। यू, यू में पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको रिप्रेजेंट करते थे सिंबल यू से। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहां पर डिनोट कर लेंगे वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोकेशन पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी हमारे पास, हम इसका एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास हमने जैसे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, वर्क डन जूल, चार्ज कूलम, तो मेरे पास यूनिट होगा इसका जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम क्या हमारे पास एसआई यूनिट। और देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के करेक्टरिस्टिक्स है, ये मेरे पास है ना इसका वैल्यू, जैसे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे चेक कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और किसी एक लोकेशन पर मेरे को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसका मतलब मैं वर्क करूं इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास वो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं और इस लोकेशन पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जनरली इन सब चार्जेस का क्या करूंगा, एल्जेब्रिक एडिशन इस पॉइंट पे। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ये डिक्रीज कैसे कर रहा है, 1/r की फॉर्म में, इनवर्सली ऑफ 1/r। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था, 1/r² बट इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है कैसे डिक्रीज कर रहा है, 1/r की फॉर्म में। तो V is inversely of 1/r, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r² की फॉर्म में। अब मेरे पास नेक्स्ट वेरिएशन, सेम ग्राफ पर मैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद R, मेरे पास सेम ग्राफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और सेम ग्राफ पर पोटेंशियल भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे था, मेरे पास 1/r² की फॉर्म में, पोटेंशियल के लिए ग्राफ कैसा हो गया, 1/r की फॉर्म में। तो मेरे पास पोटेंशियल के लिए ग्राफ, जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास पोटेंशियल के ग्राफ को, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इसलिए ऐसा हुआ, ये दोनों ग्राफ्स डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि एक तो डिक्रीज कर रहा है 1/r की फॉर्म में, एक डिक्रीज कर रहा है 1/r² की फॉर्म में, मतलब कि मान लो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r², उस कम का और स्क्वेयर कर दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इंक्रीज कर गया, बट पोटेंशियल है कम तो वैल्यू ज्यादा हो गया। तो स्टार्टिंग में दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, डिफरेंट। सेम एज इट इज, जब मैं इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r², इनफाइनाइट एक तरह से उसका स्क्वायर, तो इनफाइनाइट का एक तरह से स्क्वायर, तो वो वैल्यू क्या हो गया, बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया, इसलिए जो लाइन है ये क्या है मेरे पास, बिलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r, तो ये वैल्यू है मतलब इनफाइनाइट, तो मेरे पास ये हो गया मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो वो वैल्यू क्या होगी, कम, बट इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी सी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, इसलिए मेरे पास ये ग्राफ यहां पे है।
एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ्स कहां इंटरसेक्ट करेंगे, जब आर का वैल्यू 1 होगा, आर इक्वल्स टू 1 पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बस ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ग्राफ। अब मेरे पास यहां पे बोर्ड पे पूछा गया क्वेश्चन है कि मेरे पास जूल पर कूलम किस क्वांटिटी की यूनिट है और वो क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर। देखो मेरे पास ये क्या है, जूल पर कूलम, ये बताओ कि किसकी, मेरे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है और साथ में ये स्केलर है और वेक्टर। तो देखो जूल पर कूलम, जूल क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, और मेरे पास कूलम क्या हो गया, चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट कूलम, तो मेरे पास वो क्वांटिटी क्या हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तेरे पास किसका क्वांटिटी हो गया, पोटेंशियल, और मेरे पास ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। अब करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेरिवेशन। हम चेक करते हैं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जनरली जो सबसे पहले टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, मतलब कि मेरे को एक लोकेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म को डिफाइन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन by an external force, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर लोकेशन इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से कैसे, इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से, मतलब कि मैं धीरे धीरे उस चार्ज पार्टिकल जो मेरे पास इनफाइनाइट पे है उस चार्ज को मैं इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से मूव करूंगा। पर्टिकुलर लोकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज कैपिटल क्यू, जो हमारे पास सोर्स चार्ज था ना एक तरह से कैपिटल क्यू चार्ज, जिसको मैंने फिक्स किया था ओरिजिन पे, उस चार्ज के अराउंड मेरे को पी लोकेशन पे कि कोई भी आर्बिट्री पी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो होता था वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। कैसे, एक्सटर्नल फोर्स से, वो एक्सटर्नल फोर्स इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से उस चार्ज को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन पी। तो वहां तक लेके आने के लिए जो भी वर्क करेंगे वो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं और उनकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने जो फर्स्ट, एक तरह से जो सेकंड चैप्टर का जो मेरे पास फर्स्ट टॉपिक है,
उसमें रीड आउट किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर मतलब जो भी जितने भी चार्जेस हैं सबका एलजेब्रिक एडिशन कर दो उस लोकेशन पे। तो ये कंसिडर कर लेते हैं Q1 चार्ज, ये Q2, ये Q3, ये Q4 एंड सो ऑन Qn चार्ज। और ये मेरे पास कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर मेरे को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं जो Q1 चार्ज है इससे जो P पॉइंट है ये होगा इसके लिए पोजिशन वैक्टर R1, Q2 के लिए होगा पोजिशन वैक्टर R2, Q3 के लिए पोजिशन वेक्टर हो गया R3, Q4 के लिए हो गया ये R4 और अप टू सो ऑन अप टू nth, इसके लिए मेरे पास पोजिशन वेक्टर Rn। मेरे को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि मैं सिंपल एलजेब्रिक एडिशन कर दूंगा यहां पे। स्केलर क्वांटिटी मतलब एलजेब्रिक एडिशन, तो वी एट पी ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज एंड सो ऑन अप टू पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज। मतलब अगर मेरे पास नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट, ये हो गया एलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन पी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई भी एक लोकेशन मैंने कंसिडर कर लिया, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास एक चार्ज लिया उससे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया उस लोकेशन पे, वो क्या हो गया V1। एडिशन किया, दूसरा चार्ज लिया उससे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया P पॉइंट पे, वो हो गया V2 मान लेते हैं। फिर हमने ऐसे ही कंसिडर कर लिया, मान लो ith चार्ज उससे लोकेशन, उसकी लोकेशन फाइंड आउट की P पॉइंट से, मान लो Ri, तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया मेरे पास उस पर्टिकुलर ith चार्ज से उस P लोकेशन पे, वो क्या हो जाएगा KQ/RI, उसका भी क्या कर दिया एलजेब्रिक एडिशन। ऐसे जो सबसे लास्ट चार्ज है nth, उसका P लोकेशन है उस पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, हो गया KQ/RN। और ऐसे इन सबको ऐड कर दिया, कैसे ऐड कर दिया एलजेब्रिकली, मतलब कि ये एलजेब्रिकली ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज मतलब कि उनका सिंपली एडिशंस कर दो। इसका कोई एग्जांपल, जैसे कि हम गए किसी पर्टिकुलर शॉप पे, हमने वहां पे किसी शॉपकीपर से मांगे कि हमें 5 चॉकलेट्स 3 चॉकलेट्स 2 चॉकलेट्स, मैंने ये 5, 3, 2 के टर्म्स में चॉकलेट्स ले लिया। मेरे पास है ना जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हुई वो होगी 5 + 3 + 2 = 10, मतलब कि ये कर दिया मैंने एलजेब्रिक एडिशन। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया 5 ईस्ट में या 5 नॉर्थ में या 3 ईस्ट में या 3 नॉर्थ में और फिर इनका कुछ वैक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं, नहीं, मतलब कि मैंने सिंपली उन चॉकलेट्स को ऐड कर दिया। तो मतलब ये जो टर्म हुआ मेरे को 5 + 3 + 2, मतलब क्या होगा, एक तरह से एलजेब्रिक एडिशन कर रहा हूं मैं, सिंपल एडिशन। सेम जैसे कि हमने है ना, ये हमारे पास हो गया, सेम ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्केलर क्वांटिटी है, एलजेब्रिक एडिशन कर दिया इनका, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। वो दोनों कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वहां पर मैं क्या कहता था, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या उस पर्टिकुलर चार्ज पे, मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्वांटिटीज थी वेक्टर एडिशन। मतलब कि वहां पर उस पॉइंट पर जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनसे मैं क्या करता था, जब उस पर्टिकुलर पी लोकेशन पर जो चार्ज प्लेस होता था उसमें मैं क्या फाइंड आउट करता था, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेक्टर एडिशन। बट यहां पर सिंपल एलजेब्रिक एडिशन है तो मैंने इनको सिंपल ऐड कर दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस बट नेट पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो अफेक्ट नहीं होगा दूसरे चार्ज के पोटेंशियल से, बट उस लोकेशन पे नेट पोटेंशियल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो मैंने फाइंड आउट भी कर लिया, ये वी पोटेंशियल इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन अप टू वी एन. मतलब कि जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हो गया, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन. इसको लिख सकता हूं वी वन क्या हो गया मेरे पास के क्यू बाई आर वन, वी टू हो गया के क्यू बाई आर टू, वी थ्री हो गया के क्यू बाई आर थ्री एंड सो ऑन के क्यू बाई आर एन. नेट पोटेंशियल उस पी लोकेशन पे. हमारे पास अब हमने ये दो डेरिवेशंस कर लिए हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल. हम पोटेंशियल के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एक डाइपोल से. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया डाइपोल. डाइपोल क्या होता था एक बार जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं. डाइपोल में था टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस. फाइनाइट डिस्टेंस क्या था मेरे पास वहां पे 2a, और मेरे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्या थे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और मेरे पास जो सेपरेशन है वो क्या हो गया 2a. इन चार्जेस की वजह से मैं किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा. तो आर्बिट्री वो मैं लोकेशन कंसिडर कर लेता हूं, ये p पॉइंट कुछ r डिस्टेंस पे है सेंटर से, और अज्यूम कर लेता हूं ये थीटा एंगल सबस्टेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल लाइन, और मेरे को पी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों से इंडिविजुअली पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करो और उनका सिंपली एडिशन कर दो. कैसा एडिशन, एल्जेब्रिकली. तो मेरे को फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल. प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हो गया आर वन, माइनस क्यू चार्ज के लिए आर टू. नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. मेरे को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. पी पॉइंट मतलब पी लोकेशन प्लस क्यू चार्ज से आर वन डिस्टेंस पे है, और माइनस क्यू चार्ज से पी जो पॉइंट है वो कुछ आर टू डिस्टेंस पे है. तो मैं
पोटेंशियल हमें पता है के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर वन और के क्यू बाई आर टू, ये वैल्यूज यहां प्लेस कर देंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पी लोकेशन। अब ये आर वन और आर टू को मेरे को आर की फॉर्म में डिनोट करना है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। यहां से पॉजिटिव चार्ज से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एट ओपी लाइन, मतलब कि एक तरह से बी लोकेशन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओपी लाइन पे, और इसको मैं बोल लेता हूं कोई सी पॉइंट। अब ध्यान से देखना, जो सीपी डिस्टेंस है वो बीपी डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब कि मैं सीपी को बीपी के इक्वल रख सकता हूं, मतलब जो सीपी है इसका वैल्यू हो गया अब आर वन। अगर मैं ओपी में से ओसी को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सीपी, मतलब आर वन को मैं आर की फॉर्म में रख सकता हूं। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो सीपी डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है ये सीपी डिस्टेंस है, कैसे मिला, बी पॉइंट, बी पॉइंट मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लेस है वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओपी लाइन पे। अब मेरे पास यहां पर जो बीपी डिस्टेंस है बीपी, ये सीपी के इक्वल है, तो मेरे को बीपी को मैं ओपी जो कि आर है और जो थीटा है इसकी फॉर्म में रख सकता हूं। सेम एज इट इज मैं आर टू को भी आर वन और थीटा की फॉर्म में रख लेंगे, मतलब कि मैं जनरली यहां पे क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू, जो हमारे पास नीचे टर्म्स है डिनोमीटर में आर वन और आर टू, उनको मैं आर और थीटा की फॉर्म में रख रहा हूं। तो इसको देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे को सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास ये ट्रायंगल है कुछ ऐसे, यू गैस सी बी पी, और मेरे पास ये है आर वन और सीपी को मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो ओसी है, जो है ना ओसी, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें पता है जो ओपी है टोटल ये है आर, तो टोटल आर में से अगर ओसी को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सीपी, और वो इक्वल हो जाएगा बीपी के, तो मतलब यहां पे मैं रख सकता हूं सीपी इज इक्वल टू ओपी माइनस ओसी, और हमें पता है जो ओबी डिस्टेंस है ये है ए के इक्वल, और मेरे पास ओ सी बी ट्रायंगल में ये थीटा एंगल है, ये ए है, तो ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो मेरे पास जो सी पी है ये क्या होगा, ओपी, ओपी क्या हो गया आर माइनस ओ सी ए कोस थीटा, तो सी पी का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, आर माइनस ए कोस थीटा, और सी पी बी पी के इक्वल है, तो इसको मैं रख सकता हूं आर वन इक्वल टू आर माइनस ए कोस थीटा। नेक्स्ट मेरे को आर टू को भी सेम आर की फॉर्म में डिनोट करना है, इसको कैसे करेंगे, ये मैंने पीछे लाइन को एक्सटेंड कर दिया ओपी लाइन को, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास जो मेरे पास आर टू है मतलब एपी, वो किसके इक्वल है, ओपी, और मेरे पास इस पॉइंट को डिनोट कर लेता हूं डी, तो ओपी प्लस ओडी मतलब डीपी इज इक्वल टू एपी, तो मैं किसी वे से OD को फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, उसको मैं ऐड कर दूं OP में, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा R2 के। तो मेरे पास यहां से ट्रायंगल है लाइक AOD, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, और AO है A, तो मेरे पास जो OD है ये क्या आ जाएगा, A cos थीटा। अब मेरे पास जो ट्रायंगल है ए डी पी, इसमें जो डी पी है ये ए पी के इक्वल है, तो देखो यहां से मैं क्या रख सकता हूं, आर प्लस ए कोस थीटा इक्वल टू आर टू, तो मतलब यहां से हो गया आर टू इज इक्वल्स टू ओ डी प्लस ओ पी विच इज इक्वल्स टू आर प्लस ए कोस थीटा। आर वन और आर टू को मैं वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव में डिनोट कर देता हूं, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ये क्या जगह मेरे पास, के क्यू बाई आर वन
प्लस के क्यू बाई आर टू। तो मेरे पास देखना ध्यान से यहां पे स्टूडेंट्स, के क्यू बाई आर वन, और मेरे पास आर वन क्या हो गया, आर माइनस ए कोस थीटा, और हो गया के क्यू बाई आर टू, ये की वैल्यू क्या हो गया, आर प्लस ए कोस थीटा। के क्यू दोनों टर्म्स में से कॉमन, तो वैल्यू क्या हो गया, वन बाई आर माइनस ए कोस थीटा प्लस वन प्लस आर ए कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में के क्यू आर माइनस ए कोस थीटा आर प्लस ए कोस थीटा, ये वैल्यू हो गया आर प्लस ए कोस थीटा प्लस आर माइनस ए कोस थीटा। एक टर्म और बेटा यहां पे, जो पोटेंशियल है वो मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस साइन का ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव 5 भी हो सकती है और नेगेटिव 5 भी। तो मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है उसे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू बाई आर टू, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो के क्यू बाई आर वन, ठीक है, तो पास यहां पे हो गया नेगेटिव, तो ये टर्म हो गया मेरे पास नेगेटिव और ये टर्म हो गया पॉजिटिव। अब मेरे पास आर से आर कैंसिल आउट, अब ये मेरे पास हो गया के क्यू टू ए कोस थीटा बाई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, आर स्केर माइनस ए स्केर कोस स्केर थीटा, मतलब कि ये हो गया ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये हो गया मेरे पास ए स्केर माइनस बी स्केर। ये आइडेंटिटी को मैंने यूज कर लिया, और एक टर्म याद रखना यहां पे, पोटेंशियल इस स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी मींस जो मेरे पास पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट मास नेगेटिव नहीं हो सकता, मास जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट करता है, या तो पॉजिटिव वैल्यू उसमें या फिर मास है नहीं, मतलब कि बट जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, जब मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज में जनरली क्या होगा, जब मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी किसी पॉइंट पर, वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट अगर चार्ज नेगेटिव है, जो कैपिटल क्यू जो हमारे पास ओरिजिन पे प्लेस्ड है, अगर वो चार्ज है तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अब उसका जो नेचर हो गया वो हो गया अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब कि उस जो चार्ज है जिसका मूव कर रहे हैं इनफाइनाइट से उस लोकेशन पे, वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसलिए हमने यहां पर जो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल फाइंड आउट किया वो हो गया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बस जो नेट पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर वो होगा एलजेब्रिक एडिशन ऑफ बोथ द, मतलब कि एलजेब्रिक एडिशन कर दो दोनों चार्जेस से उस P लोकेशन पे जो भी पोटेंशियल है। तो बस ये, इसलिए मैंने जो सेकेंड टर्म है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसमें रख लिया माइनस के क्यू बाई आर टू, माइनस साइन इसलिए क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यहां पर मेरे पास चार्ज है नेगेटिव, तो पोटेंशियल कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब माइनस के क्यू बाई आर टू। अब जो मेरे पास लास्ट टर्म है क्यू इंटू टू ए, ये किसके इक्विवेलेंट है, डायपोल मोमेंट, तो हमें पता है पी इक्विवेलेंट टू टू ए इंटू क्यू, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, तो ये होता है डायपोल मोमेंट। तो इसको मैं रख सकता हूं V एट P इज K P
कोस थीटा बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा। मतलब जो पोटेंशियल है पी लोकेशन पे वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका वैल्यू मिल गया के पी कोस थीटा बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा। अब मैं कंसिडर कर लेता हूं यहां पर मेरे पास जो डायपोल है वो आइडियल है, टाइनी है और शॉर्ट है, तो जो ए डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस से क्या हो गया बहुत बहुत कम। मतलब इफ डायपोल इज टाइनी आइडियल एंड शॉर्ट, मतलब ए इज लेस लेस देन आर विच मीन्स ए स्केयर इज लेस लेस देन आर स्केयर, हेंस ए स्केयर कैन बी नेग्लेक्टेड ए स्केयर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो मेरे पास ये जो टर्म है ये गायब हो गया यहां से, ये बिल्कुल गायब हो गया यहां से। तो मेरे पास देखो पोटेंशियल एट पी पॉइंट ये क्या हो गया के पी कोस थीटा बाई आर स्केयर, मतलब पोटेंशियल एट लोकेशन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वन बाई आर स्केयर एंड पोटेंशियल एट लोकेशन पी, मतलब पी मतलब आर्बिट्री कोई भी पॉइंट, ये थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मतलब कि जो पी लोकेशन है मतलब पोजिशन वेक्टर डायपोल की एक्सिस से वो कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डायपोल मोमेंट या विद रिस्पेक्ट टू डायपोल एक्सिस, ये उसके ऊपर भी पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करेगी। तेरे पास यहां पर है पोटेंशियल एट पी पॉइंट इस के पी कोस थीटा बाई आर स्केयर, मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी डिपेंड्स अपॉन आर एंड एंगल थीटा। एंगल थीटा मतलब एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर पी पोजिशन वेक्टर आर एंड द डायपोल मोमेंट पी। थीटा क्या हो गया मेरे पास यहां पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल एंड द पोजिशन वेक्टर पी पॉइंट का, उन दोनों के बीच जो भी एंगल है वो क्या होगा थीटा। अब इसका मैं दो केस रखता हूं यहां पे, एक्सियल पोजिशन। एक्सियल पोजिशन मतलब पोजिशन वेक्टर इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। एक्सियल पोजिशन पोजिशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट इज अलोंग द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, पोजिशन वेक्टर कौन सा आर, आर ऑफ पी पॉइंट इज अलोंग द डायपोल मोमेंट। मतलब ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या सेपरेशन टू ए, ये क्या ओ, ये क्या डायपोल मोमेंट, ये होगी एक्सियल लाइन और ये हो गया पी पॉइंट, मतलब क्या वी पी या फिर वी एक्सियल। इस केस में जो पोजिशन वेक्टर है वो हमारे पास मान लो मेरे पास ये डायपोल है और ये हो गया मेरे पास पोजिशन वेक्टर पी पॉइंट का, इसको अगर मैं अलोंग कर दूं टूवर्ड्स द डायपोल मोमेंट तो क्या एक्सियल पोजिशन, तो इस पोजिशन पे जो मेरे पास पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास के पी बाई आर स्केयर इंटू कोस जीरो, क्योंकि पी पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर है ये हो गया अलोंग द डायपोल मोमेंट, तो दोनों में एंगल क्या हो गया थीटा इक्वल टू जीरो, कोस जीरो पुट कर दो तो वैल्यू क्या होगी के पी बाई आर स्केयर। तो मतलब एक्सियल पोजिशन पे जो मेरे पास पोटेंशियल है ड्यू टू डायपोल वो क्या हो जाएगा के पी बाई आर स्केयर, बट जो हमने एक सिंगल चार्ज के लिए जो फर्स्ट जो हमारे पास आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने क्या था ना एक सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए क्या आया था स्टूडेंट्स वो आया था हमारे पास के क्यू बाई आर, मतलब वो इनवर्सली ऑफ पोटेंशियल इज वन बाई आर, बट डायपोल के केस में वो वैल्यू क्या है वन बाई आर स्केयर के टर्म्स में।
नेक्स्ट सेकंड केस इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, माइनस के चार्ज, प्लस के चार्ज, टू ए हो गया सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ओ सेंटर और पी, ओ से जो भी लाइन पास कर रही है वो होगी परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, तो उससे मैं बोल सकता हूं इक्वेटोरियल पोजीशन और राइट बाइसेक्टर। तो मतलब पोटेंशियल एट पी पॉइंट, ये कंसीडर कर लेते हैं आर डिस्टेंस है तो कुछ एक्स, तो ये भी एक्स, ये होगा मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट पी पॉइंट, तो क्या थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो भी पोजिशन वेक्टर है ओ से स्टार्ट कर रहा है सेंटर से और पी लोकेशन तक जो पोजिशन वेक्टर आर है ये एंगल सबस्टेंड कर रहा है 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल पोजिशन और विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट पी। तो पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट या पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल, तो वैल्यू क्या हो गया के पी कोस 90 बाय आर स्क्वायर, कोस 90 जीरो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मिल गई। ये था मेरे पास डाइपोल का सेकंड केस, मतलब इसमें जनरली क्या हुआ, यहां पर मैंने दो केस किए, फर्स्ट केस में ये है एक्सियल पोजीशन पे तो डाइपोल का जो जो डाइपोल का मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है 1/r² के टर्म्स में, बट इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल कोई भी पर्टिकुलर पोजिशन पे पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई मेरे पास जीरो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर मैं किसी चार्ज थर्ड चार्ज पार्टिकल को मूव करूंगा तो वर्क डन क्या होगा जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि मान लो कि मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें मैं चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा हूं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज है, तो बस ये होगा एक प्लेन, इस प्लेन पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे तो कोई पोटेंशियल की वैल्यू है ही नहीं, तो मेरे पास वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। बट इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जरूर होगा, और हमने फाइंड आउट किया था जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने दो डेरिवेशन किए थे ना डाइपोल के लिए, उन दोनों डेरिवेशन में मेरे पास क्या था कि मतलब मान लो कि मेरे पास वहां पर मेरे पास एक डाइपोल है, तो डाइपोल में जनरली मेरे पास क्या था वहां पर कि एक्सियल पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था मेरे पास -2kp/r³, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज kp/r³, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास ये मेरे पास डाइपोल ई एक्सियल, ये वैल्यू था मेरे पास 2kp/r³। सेम पी लोकेशन पे मेरे पास वी एक्सियल, वो मेरे पास kp/r². अब मेरे पास नेक्स्ट इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे पास -kp/r³, बट पी लोकेशन पे पोटेंशियल क्या हो गया जीरो। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे हो, कोई एक सिस्टम बताओ जिसके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करता है बट पोटेंशियल नहीं है, तो मेरे पास पोजीशन क्या होगी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में मतलब एक लाइन जो मेरे पास पास कर रहा है थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बट इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है जीरो, और पी लोकेशन मतलब एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी है और मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू भी है, मतलब कि पी पॉइंट पर तो दोनों वैल्यूस एग्जिस्ट करेंगी बट इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी मेरे पास जीरो इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं।